हेलो दोस्तों, लर्न विद लेयर में मैं नदीम अनबॉक्सिंग का और एक वीडियो लेकर आया हूँ। सिग्मा 35mm 1.4 8 सीरीज का ये लेंस आता है और दोस्तों पोर्ट्रेट्स के लिए, वीडियो के लिए, सिनेमैटिक वीडियो के लिए जबरदस्त लेंस है, एकदम बढ़िया। हर अच्छे सिनेमाटोग्राफर की चॉइस है, फोटोग्राफी भी इससे बहुत बेहतरीन होती है। ज्वेलरी शूट करना हो आपको, ब्राइड शूट करना या पर्टिकुलरली कोई छोटी मोटी चीजें का शूट करना है तो जबरदस्त इसमें मिलता है। देखते हैं हम लोग इसके बॉक्स के अंदर क्या है। इसका टीपा अवार्ड 2030 को इसका अवार्ड भी मिला है। ये मेरा कैनन कैमरा है तो मेरे पास ये कैनन माउंट है। इसका फिल्टर साइज आता है 67 का। फर्स्ट तो कुछ चाइनीज में लिखे हुए आपको बॉक्सेस मिलेंगे, थोड़ा इंग्लिश वर्जन में भी है। क्या क्या है ये आप खुद लोगे तो इसमें पढ़ लेंगे। और ये सारे मैं सीधा ऑन पॉइंट पे आता हूँ। देखो दोस्तों, इसका बैक सही में बहुत अच्छा है, इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे सिग्मा लिखा हुआ है ऑलरेडी और यहाँ पे दिया जो आपको शायद आपके बैक में लगा था, यहाँ पे स्टिक कर लेना हो तो भी अच्छा है। हम लोग ओपन करते हैं दोस्तों। बैग के अंदर भी बहुत अच्छे से ऑप्शन दिए ये सेफ्टी के लिए। ये यहाँ से ये एक सॉफ्ट दिया हुआ है, नीचे भी अच्छा सॉफ्ट है ताकि प्रेशर में लेंस को इफेक्ट ना हो। दोस्तों ये है लेंस, ऑटो फोकस मैनुअल फोकस का बटन ये दिया हुआ है। 35mm 1.4 है, मेड इन जापान है और मेन चीज़ ये 8 सीरीज है। सबको पता है 8 सीरीज के सिग्मा के लेंस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लेंस है। ये हुड है, हुड का क्वालिटी भी अच्छा है। यहाँ पे ग्रेट दिया ताकि लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके लेंस में ना जाए, वो लाइट यहाँ पे ही रह जाए। कैप है जैसे मैंने बताया 67 का, आपको यहाँ पे फिल्टर जो आप यूज करते हो तो आपको 67mm का फिल्टर लगाना रहेगा। दोस्तों ये फिक्स लेंस है इसीलिए उसमें जूम नहीं होगा, इसलिए इसमें एक ही रिंग है ये फोकस के लिए। और ये इस तरह से लेंस रहेगा, मैं कैमरा में लगा के देखता हूँ। मैं इसको होल्ड लगा देता हूँ, आवाज आनी चाहिए। ओके दोस्तों ये मेरी बॉडी है 1DX Mark II। यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। अब दोस्तों इसमें आपको यहाँ पे एक रेड और एक वाइट पॉइंट दिखेगा। आपको रेड क्या है, रेड पॉइंट लगाना है या वाइट लगाना है, जो भी है क्लिक, आवाज आनी चाहिए। देखो ये राइटिंग, ये मैंने स्टार्ट कर दिया। बहुत लाइट वेट नहीं बोल सकते पर बहुत हैवी वेट भी नहीं बोल सकते, पर ये आपको गिम्बल में भी इजी रहेगा। 35mm से मैंने शूट किए हुए हैं, बहुत ही अच्छी शार्पनेस है दोस्तों इसकी। देखो इसकी स्पीड कितनी है वो भी हम लोग देख लेते हैं। मैं इसको हाई स्पीड कंटिन्यूस पे क्लिक करता हूँ, देखो फोकसिंग में जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों वैल्यू फॉर मनी है और बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर और सिनेमाटोग्राफर की फर्स्ट चॉइस होती है सिग्मा 1.4। मैंने जहाँ तक देखा है कि कोई कैनन 1.4 नहीं लेता है पर सब लोग सिग्मा 1.4 लेते हैं। जो आप सोच रहे हो कि मैं 50mm बाय करूँ या 35mm बाय करूँ, तो मेरी पर्सनल चॉइस ऐसा है जो आपको कॉस्ट वाइज कोई इश्यू नहीं आ रहा है तो आप 35 में जाए, आपको 50mm से थोड़ा ज़्यादा वाइड भी मिलेगा और 1.4 मिलेगा। नो डाउट कैनन का 1.8 भी अच्छा ही लेंस है, मैं उसको रेगुलर यूज करता हूँ, पर ये लेंस ज़्यादा अच्छा है, इसको आपको वाइड मिलेगा, प्री वेडिंग वगैरह में भी आपको बहुत यूज रहेगा। तो दोस्तों ये था सिग्मा 35mm 1.4 का अनबॉक्सिंग। थैंक यू।